मौसम विभाग ने सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू की चेतावनी जारी किया है। प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ समेत 6 जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि प्रयागराज, वाराणसी समेत 19 जनपदों में गर्म हवाएं चलेंगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर S.N. सुनील पांडे ने सोमवार को बताया कि गर्म हवाओं से बचने के लिए लोगों से अपील की गई है। मौसम विभाग का ताजा अपडेट आने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू चलने की चेतावनी जारी किया गया है। संभावना है कि 25 अप्रैल तक गर्म हवाएं चलेंगी। प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ समेत 6 जिलों में बारिश के आसार है, जबकि प्रयागराज, वाराणसी समेत 19 जिलों में गर्म हवाएं चलेंगी। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में ही उत्तर प्रदेश लू की चपेट में आ गया। प्रदेश के एक नहीं कई शहरों का तापमान 40 के ऊपर चला गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भविष्यवाणी की है। प्रदेश के कई ऐसे शहर रहे जहां तापमान 40 के आंकड़े को छूता हुआ दिखा। इन सभी जगहों पर गर्म हवा के थपेड़ों से लोग परेशान दिखाई दिए। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र मुताबिक बाराबंकी, कानपुर, गोरखपुर, चुर्क, फतेहपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, फुर्सतगंज, फतेहगढ़, झांसी, उरई, हमीरपुर, आगरा और बुलंदशहर में पारा 40-42 डिग्री से अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री से 28.9 डिग्री के बीच रहा। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि रविवार को लू से कुछ दिन में राहत दिखी, लेकिन गर्म हवा के थपेड़े अभी झेलने होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। कई जगहों पर हल्की आंधी चल सकती है, साथ ही धूल भरी हवाओं की भी संभावना प्रकट की गई है।